प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले ब्रिटिश दार्शनिक थॉमस हिल ग्रीन के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उसके स्वतंत्रता पर विचार, अधिकारों पर विचार इत्यादि पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ग्रीन के अन्य विचारों को लेंगे, जैसे उसके प्राकृतिक कानून पर विचार, संप्रभुता पर विचार, राइट टू रेजिस्टेंस, राज्य के खिलाफ प्रतिरोध या प्रतिकार करने का अधिकार, सामान्य इच्छा का अधिकार, राज्य के क्या क्या कार्य होने चाहिए, राज्य और समाज में क्या संबंध है, दंड किस प्रकार का होना चाहिए और राज्य में संपत्ति का अधिकार व्यक्तियों के किस सीमा तक है, इस पर विचार करेंगे। उसके बाद इसके विचारों को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम प्राकृतिक कानून के संबंध में ग्रीन के विचार लेंगे। प्राकृतिक कानून एक बड़ी एम्बिगुअस, मतलब इसकी एक प्रिसाइज संक्षिप्त परिभाषा करना बहुत ही कठिन है। अलग अलग विद्वानों ने प्राकृतिक कानून को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, लेकिन ग्रीन का कहना है कि प्राकृतिक कानून वो कानून है जिसका पालन मनुष्य को एक नैतिक प्राणी होने के नाते करना चाहिए, चाहे वो राज्य के यथार्थ कानून के अनुकूल हो या न हो। तो दो कानून आ गए यहाँ पर, एक तो यथार्थ कानून, एक प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून राज्य द्वारा निर्मित नहीं है, प्रकृति द्वारा निर्मित है, और व्यक्ति को उस प्राकृतिक कानून का पालन क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक नैतिक प्राणी होने के नाते हो सकता है कि वो राज्य के कानून के विरोधी या विपरीत भी क्यों न हो, यथार्थ कानून के अनुकूल हो या न हो, व्यक्ति को प्राकृतिक कानून का पालन करना है। सामान्यतः प्राकृतिक कानून विवेक पर आधारित होता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति, और ये न्यायशास्त्र निर्णय करता है कि कौन सा अधिकार प्राकृतिक है और कौन सा अधिकार वैधानिक है। तो प्राकृतिक कानून को ग्रीन काफ़ी कुछ महत्व देता है और राज्य निर्मित कानून या मानवीय कानून से थोड़ा सा उसको श्रेष्ठ मानता है। इसके बाद यदि हम संप्रभुता को परिभाषित करें ग्रीन के अनुसार, इससे पहले बहुत ही एक महत्वपूर्ण संप्रभुता की परिभाषा है जो जॉन ऑस्टिन द्वारा दी गई है, जॉन ऑस्टिन ने। इसके पश्चात ग्रीन ने संप्रभुता पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य अधिकारों को क्रियान्वित करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। यहाँ पर सुप्रीम इंस्टीट्यूट का मतलब है उसके पास संप्रभुता है, इसके पास बाध्यकारी शक्ति है जिसके माध्यम से राज्य समाज के अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या रखता है और करता है। अधिकारों का क्या औचित्य है जब उनकी क्रियान्विति संभव नहीं हो, तो इसलिए राज्य वो यंत्र है, उसकी सर्वोच्च शक्ति वो यंत्र है, संप्रभुता वो यंत्र है जो कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। ये एक तरह से बाध्यकारी शक्ति है और राजनीति शास्त्र में इसको सर्वोच्च शक्ति या परम सत्ता या संप्रभुता या राजसत्ता विभिन्न नामों से है वो पुकारा जाता है या संबोधित किया जाता है। और मुख्य बात यह है कि अन्य समुदायों से राज्य को उच्चतर स्थान प्रदान करने वाली संप्रभुता है। अब संप्रभुता किसके पास रहेगी, उसका उपयोग कौन करेगा, इसके बारे में विद्वानों में अलग अलग राय है। रूसो, प्रिय विद्यार्थियों आपने शायद नाम सुना होगा, वो कहता है संप्रभुता का निवास मनुष्य की सामान्य इच्छा में निहित है, वो जन संप्रभुता का समर्थक था, संप्रभुता की किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष में निहित न हो करके लोगों की सामान्य इच्छा में निवास करती है। तो ये एक जन संप्रभुता, पॉपुलर, प्रजातंत्र का पक्षपाती है। इसके विपरीत जॉन ऑस्टिन, वो भी ब्रिटिश विधि शास्त्री थे, उन्होंने कहा संप्रभुता निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ या समूह में रहती है। रूसो के बिल्कुल उल्टा,
निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ या समूह उसका अर्थ है निश्चित, मतलब हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास संप्रभु शक्ति है या उस 10 व्यक्तियों के पास संप्रभु शक्ति है। और ये बात कहकर जॉन ऑस्टिन संप्रभुता के लोक संप्रभुता के सिद्धांत का खंडन करता है, जो ये कहता है कि संप्रभुता लोगों की सामान्य इच्छा में निवास करती है। अब रूसो और ऑस्टिन के मतों के बाद यदि हम ग्रीन के विचार देखें तो ग्रीन इन दोनों अपोजिट विरोधी विचारधाराओं का समन्वय करके संप्रभुता का अर्थ या परिभाषित करने की कोशिश करता है। ग्रीन कहता है संप्रभुता राज्य का आवश्यक गुण है, ये राज्य की बाध्यकारी शक्ति है जो सामान्य नागरिकों की रक्षा करती है और रक्षा करने के लिए आवश्यक होने पर बल प्रयोग भी या शक्ति भी जरूरी होती है। पर अच्छा ये हो कि नागरिक स्वेच्छापूर्वक आज्ञा का पालन करे, बल प्रयोग नहीं करना पड़े, मन से स्वतः प्रेरणा से। इसलिए राज्य का आधार क्या होना चाहिए, सामान्य इच्छा होनी चाहिए। तो ग्रीन कहता है विल नॉट फोर्स इज ए बेसिस ऑफ स्टेट, राज्य का अधिकार शक्ति नहीं है बल्कि इच्छा है। तो जो ग्रीन की संप्रभुता की व्याख्या है प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि वो दोनों ऑस्टिन का जो निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ वाली बात और रूसो की जो लोगों की सामान्य इच्छा वाली बात है दोनों का समन्वय कर देता है जब वो कहता है विल नॉट फोर्स इज बेसिस ऑफ स्टेट, राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। तो समन्वित विचार है वो संप्रभुता के बारे में ग्रीन प्रस्तुत करता है, किसका समन्वय, ऑस्टिन का और उससे पहले रूसो के विचारों का। अब प्रतिरोध का अधिकार देखें हम ग्रीन का, राइट टू रेजिस्टेंस, कब लोगों को सत्ता सरकार के प्रति विद्रोह का अधिकार है अर्थात उस सरकार को हटाने का अधिकार है, इसके बारे में भी ग्रीन है अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। ग्रीन कहता है कि नागरिकों द्वारा राज्य के कानूनों का विरोध करने का अवसर, मौका कब आता है, अवसर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि कभी कभी समाज और राज्य द्वारा स्वीकृत अधिकारों में कुछ असंगति उत्पन्न हो जाती है। अधिकार जब स्पष्ट नहीं होते, अधिकारों की रक्षा की गारंटी नहीं होती, अधिकारों का उल्लंघन होने लग जाता है, व्यक्ति कुछ और अधिकार समझता है, राज्य कुछ और अधिकार देता है, तो कहता है वो प्रतिरोध होगा, उसका विरोध होगा। प्रतिरोध का अधिकार सीमित देता है, अमूल चूल नहीं, ओवरऑल रिवोल्यूशन नहीं, सत्ता को आप क्रांति के माध्यम से पलट दो, हटा दो, इस प्रकार का अधिकार नहीं देता है। केवल आधार ये मानता है समाज कल्याण के हित में प्रतिरोध का अधिकार है और राज्य के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार व्यक्तियों को है वो मिल जाता है। इसके बाद जो रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था उसका भी थोड़ा विस्तारित करके ग्रीन ने प्रस्तुत किया है, अर्थात ग्रीन के सामान्य इच्छा के बारे में, जनरल विल के बारे में हम विचार देखने की कोशिश करेंगे। ग्रीन का विश्वास है कि सामान्य हित की चेतना समाज को जन्म देती है, चेतना जब तक दिमाग में नहीं होगी समाज की रचना नहीं होगी। सामान्य हित की जो सामान्य चेतना होती है उसको ग्रीन है वो सामान्य इच्छा की संज्ञा देता है, वो जनरल विल है। तो रूसो से थोड़ी हटकर रूसो कहता है व्हाट इज जनरल विल, जनरल विल इज सम टोटल ऑफ द एक्चुअल विल ऑफ इंडिविजुअल, लोगों की एक्चुअल विल का योग कर लो, जो इच्छा बनेगी वो जनरल विल होती है। जबकि ग्रीन क्या कहता है, सामान्य हित की जो सामान्य चेतना होती है वो सामान्य इच्छा होती है। ग्रीन ने इच्छा के दो रूप बताए जो कि रूसो ने भी बताए थे, एक वास्तविक इच्छा एक यथार्थ इच्छा। यहाँ पर ग्रीन ने करीब करीब रूसो को कोट किया है, रूसो को उद्धृत किया है या रूसो के विचारों को है वो ग्रहण किया है। उसने कहा है सम टोटल ऑफ द एक्चुअल विल ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत स्वार्थ की इच्छा होती है, एक व्यक्ति का स्वार्थ दूसरे व्यक्ति का स्वार्थ टकरा करके खत्म हो जाता है, फिर जो बचती है दोनों की वो सामान्य हित की बात करती है।
तो वो सामान्य इच्छा है जो सामान्य हित की बात करती है, समाज कल्याण की बात करती है, उसको ग्रीन सामान्य इच्छा की संज्ञा देता है। अब यदि राज्यों के कार्यों पर ग्रीन के विचारों का हम देखने की कोशिश करें, ग्रीन का विश्वास था कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास है, अतः उसके कार्य इसी उद्देश्य से प्रेरित होने चाहिए। तो राज्यों का कार्यों का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का नैतिक विकास करना। ग्रीन निरपेक्ष राज्य के पक्ष में नहीं था। निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है निरंकुश, स्वेच्छाचारी राज्य, मन मर्जी करे। वो राज्य को बाह्य और आंतरिक दृष्टि दोनों से है सीमित मानता, अर्थात राज्य निरपेक्ष नहीं है, राज्य स्वेच्छाचारी नहीं है, उस पर बाह्य दृष्टि से बंधन है, आंतरिक दृष्टि से बंधन है। राज्य के कार्यों के बारे में वो कह रहता है दोनों तरह के कार्य होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के हैं वो कार्य राज्य करता है। मतलब कुछ उसको करने चाहिए, कुछ कार्य उसको नहीं करने चाहिए। जो करने चाहिए वो पॉजिटिव कहलाते हैं, जो नहीं करने चाहिए वो नेगेटिव कार्य कहलाते हैं। ग्रीन के अनुसार राज्य के कार्य है, पहली बात जो कहा वो कार्य बताता है, नैतिकता में बाधा उपस्थित करने वाली परिस्थितियों का दमन करना। राज्य का उद्देश्य ही व्यक्तियों की नैतिकता का विकास करना है, तो नैतिकता के विपरीत जो कोई भी बातें हैं उनका दमन करना। चोरी करने का अधिकार नहीं देगा, झूठ बोलने का अधिकार नहीं देगा, क्योंकि नैतिकता को हानि पहुँचाते हैं। तो ऐसे कि जो नैतिकता में बाधा उपस्थित करने हैं उन परिस्थितियों को समाप्त करना। दूसरा कार्य वो बताता है सदाचरण, आचरण अच्छा होना चाहिए, पवित्रता, संयम को प्रोत्साहित करना, ये सब नैतिक बातें हैं। अच्छा आचरण व्यक्तियों का, पवित्रता उनके विचारों में, एक्शन में, संयम, सेल्फ कंट्रोल, इनको प्रोत्साहित करने का कार्य राज्य करता है। तीसरी बात, वो उन साधनों की व्याख्या करना जिनसे नागरिकों में अधिकाधिक नैतिक भावनाएं एवं चरित्र का विकास हो, करेक्टर बिल्डअप करना का काम भी राज्य करता है। ऐसे वो काम करता है जिससे कि व्यक्ति का नैतिक चरित्र उच्च हो, बड़ा हो, प्रबल हो। इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए दंड व्यवस्था करना जो कि नैतिक नियमों में बाध्य हो, ऐसे लोगों की दंड की भी बात करता है जो कि नैतिकता के विपरीत आचरण करते हैं, नैतिकता के प्रतिकूल आचरण करते हैं। इसके अलावा शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानता है वो, और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, और शिक्षा नहीं है तो व्यक्ति में अज्ञानता होगी, ये एक अज्ञानता सामाजिक अभिशाप का रूप ले सकती है, तो इस सामाजिक अभिशाप को समाप्त करने के लिए इस राज्य द्वारा शिक्षा की व्यवस्था भी है वो करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मादक वस्तुओं के क्रय विक्रय की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना चाहिए, वो वही मनुष्य को, चरित्र को, मनुष्य के दिमाग को, मनुष्य के नैतिक आचरण को विकृत करती है, तो इसके क्रय विक्रय को प्रतिबंधित करने का कार्य भी राज्य द्वारा करना चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति को ये महत्व देता है, व्यक्तिगत संपत्ति और अधिकारों की रक्षा करना राज्य का दायित्व है, लेकिन इसके अतिरिक्त भूमि नियंत्रण करना भी राज्य का दायित्व है। मतलब बहुत सारी एक के पास जमीन है, एक के पास बहुत कम है, तो जमीन की सीमा भी निर्धारित करने का राज्य को अधिकार है और राज्य को ये कार्य करना चाहिए। ये सब आंतरिक है। बाह्य क्षेत्र में वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित करने की कोशिश करनी चाहिए, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, दूसरों के राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, इससे है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में है और शांति और व्यवस्था कायम करने की कोशिश भी राज्य द्वारा की जानी चाहिए। तो विस्तृत कार्यों की सूची दी है ग्रीन ने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कार्यों में यह है कि व्यक्ति के नैतिक चरित्र को उच्च करने का कार्य राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अलावा हम यदि राज्य और समाज के आपसी क्या संबंध है, कौन महत्वपूर्ण है, इस पर भी ग्रीन ने विचार अभिव्यक्त किए हैं। राज्य और समाज के बारे में ग्रीन कहता है राज्य को समाजों का समाज मानना चाहिए,
राज्य क्या है, वो कई सोसाइटीज, कई समाज मिलकर के राज्य का निर्माण करता है, इसलिए एक बड़ा समाज है, समाजों का समाज है। विभिन्न समाजों में समन्वय का कार्य कौन करता है, राज्य करता है, अर्थात वो समाज के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है और राज्य के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। समाज से बड़ा है वो राज्य को मानता है, राज्य और समाज एक दूसरे के विरोधी न होकर के पूरक है, यद्यपि दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों का भेद वो बिल्कुल मिटा नहीं देता, जो कई विद्वानों ने मिटाया था कि राज्य और समाज दोनों एक ही है, ये कहता है राज्य और समाज दोनों एक नहीं है, पर एक दूसरे के विरोधी भी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। बिना समाज के राज्य का काम नहीं चलता और बिना राज्य के समाज का काम है वो नहीं चलता। किस तरह से दोनों भिन्न भिन्न है वो कहता है, आधार बताता है कि क्यों राज्य अलग है, क्यों समाज अलग है। वो कहता है राज्य के पास शक्ति है, राज्य शक्ति का प्रयोग कर सकता है, समाज के बाद शक्ति नहीं है। यहाँ शक्ति होने का तात्पर्य दंडात्मक शक्ति नहीं है, पुलिस नहीं है उसके पास, सेना नहीं है, जबकि राज्य के पास ये सब होता है। तो जहाँ राज्य शक्ति का प्रयोग कर सकता है, समाज शक्तिहीन कहना तो ज़्यादा उचित, शक्तिहीन होने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि उसके पास अपनी पुलिस सेना कोई नहीं, उसके पीछे जो शक्ति है वो समाज की शक्ति है। दूसरा, समाज, परिवार, धर्म, संघ, आर्थिक संघ, ये सब, और इन सब के लिए क्या है, राज्य की सदस्यता होनी, राज्य से ऊपर ये नहीं हो सकते, राज्य सर्वोच्च संस्था है, अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं हो सकती है। फिर राज्य के पास बाध्यकारी शक्ति है, राज्य के कानून, राज्य के आदेशों को मानना, उनका पालन करना अनिवार्य होता है। समाज के बाहर बाध्यकारी शक्ति नहीं है, समाज के निर्णय एडवाइजरी है, समाज के निर्णय परामर्शात्मक है, आप परामर्श को माने या नहीं माने, पर राज्य के कानूनों को आप नहीं मानेंगे तो आपको दंड मिलेगा। तो इसलिए राज्य के पास जहाँ बाध्यकारी शक्ति है, समाज के पास है वो नहीं है। तो इस प्रकार राज्य और समाज दोनों को वो अलग अलग संस्था मानता है, पर एक दूसरे के पूरक है, भिन्न भिन्न होते हुए भी दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं, पर समाज से राज्य उच्च है क्योंकि वो समाजों का समाज है। अब यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसको विचार देखने की कोशिश करें हम ग्रीन का, तो उसमें विश्व बंधुत्व की भावना साथ साथ युद्ध पर, तो विश्व बंधुत्व युद्ध पर ग्रीन के विचार यदि देखने की कोशिश करें, तो ग्रीन कहता है विश्व बंधुत्व व विश्व शांति अनिवार्य, वो विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के समर्थक थे। व्यक्ति को राइट टू लिव, राइट टू लाइफ, व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है, और युद्ध होते हैं तो उसे किसी न किसी का जीवन जाता है, इसलिए वो युद्ध की निंदा करता है और विश्व शांति की प्रशंसा करता है। क्यों? क्योंकि युद्ध से व्यक्तियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है, जबकि व्यक्ति को जीवन का अधिकार है। उसने उस समय, बहुत महत्वपूर्ण बात है ग्रीन की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्वप्न देखा था, लेकिन धीरे धीरे 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित हो गया, पर उस समय उसने समा देखा था और अंतर्राष्ट्रीय कानून को मान्यता का प्रश्न था। ये बिल्कुल रिसेंट, अब भी अंतर्राष्ट्रीय कानून वॉलेंटरी है, स्वैच्छिक है, बाध्यकारी शक्ति नहीं है अंतर्राष्ट्रीय कानून की। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय भी है वो भी एडवाइजरी है एक तरह से, लेकिन ग्रीन ने उस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना करना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान्यता देने की बात कही, जो विश्व बंधुत्व और शांति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। युद्ध की वो प्रशंसा करता है, आलोचना करता है, वो कहता है युद्ध एक नैतिक अपराध है। वो युद्ध के बारे में लिखते हुए कहते हैं, युद्ध एक सामूहिक हत्या के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, मर्डर है एक तरह का, ये लोगों का मर्डर होता है युद्ध के तरह से, तो हत्या के समकक्ष युद्ध को है वो मानता है, और युद्ध क्षेत्र की हत्याओं का जिम्मेदार कोई न कोई व्यक्ति होता है, युद्ध व्यक्तियों के दिमाग में उपजता है, तो जिम्मेवार कोई न कोई है वो व्यक्ति होता है। तीसरी बात वो कहता है, युद्ध से सैनिकों का जीवन खतरे में पड़ता है, स्वाभाविक है, युद्ध होता है तो
तो जीवन तो खतरे में पड़ता ही पड़ता है, स्वाभाविक है, अस्त्र शस्त्रों से युद्ध लड़ा जाता। तो युद्ध के पक्ष में नहीं है, वो विश्व शांति के पक्ष में है, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय कानून की वकालत करता है। ये विचार देखने के बाद ये दंड के बारे में यदि ग्रीन के विचार देखें, दंड के बारे में कई सिद्धांत प्रचलित है। दंड के बारे में कहा जाता दंड क्यों दिया जाता है, कि अपराधी ने अपराध किया इसलिए उसको दंड दिया जाता है, अपराध की सजा हम कहते हैं। कोई कहता है प्रतिशोधात्मक, बदले लेने के लिए, कोई कहता है कि अपराधियों को सुधारने के लिए दंड दिया जाता है, यदि दंड नहीं देंगे तो अपराधी और अधिक अपराधी बनेंगे। तो कई थ्योरीज इसके बारे में प्रचलित है, लेकिन ग्रीन क्या कहता है दंड के बारे में। ग्रीन के अनुसार दंड विधान आवश्यक है, मतलब दंड का विरोधी नहीं है, दंड के लिए कानून होना चाहिए। तो ग्रीन के अनुसार दंड विधान आवश्यक है। ग्रीन कहता है यदि व्यक्ति स्वेच्छा से कभी समाज को विनाश करने पर उतारू हो जाए तो समाज का अंत करने से पूर्व ही उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए दंड। जैसे आजकल दुनिया में क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स, और एक बम का प्रयोग करो दुनिया पूरा का पूरा देश खत्म हो सकता है, तो मानवता खतरे में पड़ जाती है। और ऐसे खतरा यदि संभावना हो तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड है दे दिया जाना चाहिए। तो ये दंड के पक्ष में है, मानवता की सुरक्षा के लिए। ग्रीन ने दंड सिद्धांतों की बात करें हम तो वो कहता है तीन तरह के सिद्धांत होते हैं, जो मैंने थोड़ा सा इंगित किया था बात कहते हुए आपको, एक प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक और सुधारात्मक। ग्रीन इन तीनों सिद्धांतों का समन्वय करता है, इन तीनों तत्वों का समावेश करके अपने दंड का सिद्धांत है वो प्रतिपादित करता है। ग्रीन के अनुसार दंड का प्रधान उद्देश्य भविष्य में अपराध का निवारण होना चाहिए। अपराधी को ऐसा दंड दो कि भविष्य में दूसरा व्यक्ति अपराध करने की ओर प्रेरित न हो। तो तीनों सिद्धांत, प्रतिशोध मतलब बदला लेना, प्रतिरोध दंड रोकना, और अपराधी को सुधारना, तीनों है वो दंड के उद्देश्य होने चाहिए। इन तीनों का समन्वय और समावेश है वो दंड में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वो दंड के बारे में भी बात करता है। फिर यदि व्यक्तिगत संपत्ति पर ग्रीन के विचारों को देखने की कोशिश करें, हम कह सकते हैं ग्रीन न तो व्यक्तिगत संपत्ति का पूर्ण रूप से समर्थन करता है और न प्रारंभ से अंत तक उसकी आलोचना करता है। समाजवादी व्यक्तिगत संपत्ति को पूरी तरह से खत्म करते हैं, पूंजीवादी है वो व्यक्तिगत संपत्ति में राज्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन वो कहता है इस प्रकार वो न तो पूर्ण व्यक्तिवादी है और न पूर्ण समाजवादी, उसके बीच का विचार है वो प्रतिपादित करता है। संपत्ति के बारे में ग्रीन कहता है व्यक्तिगत संपत्ति पर बल देता है क्योंकि उसका प्रयोग सदैव सामान्य हित के लिए किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। वो संपत्ति की असमानता को स्वीकार करता है, कोई ज़्यादा मेहनत करेगा ज़्यादा संपत्तिशील होगा, कम करेगा कम, पर संपत्ति की असमानता को स्वीकार करते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है वो अनिश्चित धन संचय को उचित नहीं समझता। एक सीमा होनी चाहिए, कहीं कहीं आप उस संपत्ति पर एक लिमिट, आप संचय करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपके लिए आवश्यक नहीं है, तो असीमित संपत्ति के संचय को रोकता है। इस प्रकार से वो समाजवादी और व्यक्तिवादी दोनों के बीच का विचार है वो संपत्ति के बारे में वो प्रस्तुत करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने ग्रीन के करीब करीब मुख्य विचारों पर, वो राज्य के बारे में, संपत्ति के बारे में, अधिकारों के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, दंड के बारे में, समाज और राज्य के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय उसके विचार क्या है, अंतर्राष्ट्रीयता के बारे में, इन सब विचारों पर विचार करने की और आपके सामने प्रस्तुत करने की मैंने कोशिश की। यदि इसका मूल्यांकन करें, मैं प्रारंभ में बताया था आपको ग्रीन एक महत्वपूर्ण आदर्शवादी विचारक है, और इसके अतिरिक्त आदर्शवादी अन्य भी कई विचारक हुए हैं। मैंने नाम बताए थे पहले आपको, हीगल, जिसको हम एक्सट्रीम उग्र आदर्शवादी कह सकते हैं। हीगल के अलावा कांट भी है,
जो राज्य को चरम सीमा पर सर्वशक्तिशाली मानते हैं, लेकिन ग्रीन एक बैलेंस्ड, एक संतुलित आइडियलिस्ट है। वो राज्य को सर्वोच्च भगवान के बराबर नहीं मानता, राज्य पर कुछ सीमाएं आरोपित करता है, पर राज्य को आवश्यक भी मानता है। वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, राज्य के पास दंडात्मक शक्ति होती है, राज्य व्यक्ति की नैतिकता में विकास करता है। इसलिए हम ग्रीन को है एक उच्च आदर्शवादी कह सकते हैं, संतुलित लिबरल आइडियलिस्टिक कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा ग्रीन के लिए, कि एक उदार आदर्शवादी विचारक है। कभी कभी तो विचारक ये खोजने की कोशिश करते हैं कि ग्रीन व्यक्ति को भी स्वतंत्रता देता है और राज्य को भी मानता प्रदान करता है, इसके बीच में जो संतुलन ग्रीन ने बिठाया है वो उसकी मानसिक क्षमता, उसकी बौद्धिक परिपक्वता, ऑक्सफोर्ड में प्राप्त किए हुए उसका नॉलेज और विद्यार्थियों को दी हुई शिक्षा है, ये सभी महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, दो वार्ताओं में मैंने एक आदर्शवादी विचारक ब्रिटिश थॉमस हेल ग्रीन पर के प्रमुख विचारों को आपके सामने प्रतिपादित करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ ग्रीन के मुख्य विचारों के बारे में बेसिक नॉलेज है, जो मूल ज्ञान है, आपने प्राप्त कर लिया होगा। विस्तृत नॉलेज ज्ञान और इस दार्शनिक की विस्तृत अध्ययन के लिए आप अन्य पुस्तकों का सहारा लें, कई तरह की किताबें उपलब्ध है उसको पढ़ें आप, ग्रीन की खुद की राइटिंग्स उपलब्ध है उनको पढ़ें आप, जिससे कि आपका ज्ञान है अधिक उच्चतर होगा। मैं समझता हूँ मैं मूल ज्ञान देने में शायद सफल होगा, निर्णायक आप होंगे। मैं आपके सफल और सुखी भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।